Right now, I'm present at the dam of the Sukhe Kinari Hydropower Project, located on Kunar River in Western Himalayas in Pakistan's northwestern Khyber Pakhtunkhwa province. This is the biggest hydropower project under the China-Pakistan Economic Corridor framework. This is the first hydropower project which has used a rockfill dam. It's a very cost-effective technology as it consumes very less cost on the construction. कंक्रीट डैम करते हो जाहिरी बात है उसमें हमारे पास स्टेजेस और स्टेप की वजह से हमें उसमें वाटर स्टॉपर रखने पड़ते हैं जिस वजह से उसमें हल्की फुल्की सीपेज हो जाती है। अलबत्ता हमारे पास जो रॉक फिल डैम है हमारे पास ये उससे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें हमारे पास ये आता है कि हमें इसमें ये बेनिफिट होते हैं कि हमें जो रॉक फिल डैम है इसमें हमारे पास कास्ट भी कम हो जाती है और दूसरी बात है ये हमारे पास सेफ्टी के हिसाब से ये बेहतर डैम है क्योंकि हमारे पास जो रॉक फिल डैम है इसके हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम एरिया होता है तो इसके ऊपर पूरे हमारे पास ड्रेनेज बॉडी होती है जो इसको सेव रखती है। जैसा कि अगर किसी भी जगह से कोई भी हल्की फुल्की सीपेज हो जाए या हमारा कहीं से क्रैक्स आ जाए कंट्रोल सेक्शन में भी आ सकता है या असवाल्ड में भी आ सकता है उसमें ये क्रैक्स की वजह से हमारे पूरे डैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वही जो क्रैक्स में से जो भी वाटर अगर फ्लो होता है वो हमारे पास आगे हमारा जो पूरा ड्रेनेज बॉडी एरिया है वो उसमें चला जाएगा और वो वहाँ से नीचे की तरफ मूव हो जाएगा जो कि इसे आम डैम से ज़्यादा सेफ बनाता है।